हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब आपको कोरोना संकट से जुड़ी एक और पॉजिटिव खबर दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि गुजरात में कोरोना की वजह से कितनी स्थिति खराब है। सिम्पोला फाउंडेशन ने गुजरात के मोरबी में कोरोना केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें सिम्पोला फाउंडेशन ने 80 बेड का कोरोना केयर सेंटर बनाया है। इस सेंटर में कोरोना मरीजों की जान बचाने के हर तरह के उपकरण मौजूद हैं। सिम्पोला ग्रुप के CMD जितेंद्र आगरा ने भी कहा है कि बढ़ते कोरोना की वजह से लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कैसे गुजरात में भी बड़े पैमाने पर लोग सामने आ रहे हैं, इंडिविजुअल इनिशिएटिव है और लोग आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन जब लोग आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। हम लगातार आपके सामने इस तरह की पॉजिटिव खबर लाते रहेंगे, क्योंकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना से हम जीतेंगे और जीतेगा इंडिया। ऑक्सीजन क्राइसिस दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन प्लान क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद सौरभ शर्मा आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के फैसले कितने तेज हैं और कितने तेज हैं उनका नतीजे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।